रोजी खबर और अच्छी खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जोड़ दबाएं। अगर खबर अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए शहीदों की शहादत होने के बाद सिवान में कल शहीद अमरजीत की पार्थिव शरीर लाई गई और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस घृणित कार्य की निंदा करते हुए आज जदयू कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें सबसे पहले सभी शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 23 जून को सिवान में होने वाले कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह को स्थगित कर दिया जाए। यह जानकारी जदयू के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल और जदयू के वरिष्ठ नेता सांसद पति अजय सिंह ने दी। पुलवामा में सिवान के लाल अमरजीत सिंह जी का उग्रवादियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट करके आत्महत्या की हमला किया गया, जिसमें शहीद हो रहे हैं। और कल ही हमारे सिवान अभिनाथपुर प्रखंड के बलिया ग्राम में के पैतृक गांव में उनका शरीर आया, जिससे पूरे सिवान जिला के पूरी जनता इससे मर्माहत है। और हम जनता दल यू परिवार, एनडीए परिवार की तरफ से शहीद अमरजीत सिंह के चरणों में नमन करता हूँ और उनकी शहादत कुर्बानी भी है, उन्होंने वो कहीं खाली नहीं जाएगा। जो पाकिस्तान के टेररिस्टों के द्वारा मंसूबा रखा गया है और उसके तहत हमारे देश के जवानों को मारा जा रहा है। आज हम लोग इस सिवान के लाल और देश के रक्षा करने वाले सपूत शहीद अमरजीत सिंह का पुलवामा में शहादत हो गया है। हमारे सिवान जिला पूरे देश के साथ मर्माहत है। हम जनता दल यूनाइटेड परिवार पूरा मर्माहत है, दुखी हैं। हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम शोक मना रहे हैं। हमारे बिहार के खाद्य आयोग के अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद सलाम साहब का आकस्मिक मौत हो गया है। हम उनका भी प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनके आकस्मिक मृत्यु पर भी हम शोक व्यक्त कर रहे हैं। हमारी पार्टी इसीलिए आज एक शोक सभा का आयोजन किया है।